फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेलवे स्टाइल वेज कटलेट, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते। उसके लिए एक कढ़ाई ले, उसके अंदर 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म हो जाए तो ग्रेटेड जिंजर और चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज डालें। जिंजर आपको 2 इंच के करीब लेना है, इससे कटलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप किए हुए वेजेस। हरे मटर और कॉर्न को बॉईल करके ले और गाजर और शिमला मिर्च को ऐसे ही चॉप कर ले। इन सब चीज़ों को आपको 2 मिनट के लिए सौते करना है, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसको थोड़ी देर सौते कर ले। अब हम इसके अंदर रूटीन के मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप थोड़ा सा आमचूर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर एनहांस होगा। चाट मसाला इस कटलेट में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, जिससे इसका तीखापन थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब हमने बॉईल किए हुए पोटैटोज़ है, उसको हम मैश करके डालेंगे। इसको हाथों की मदद से ही मैश करें और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फ्लेम आपको बंद कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा अपने हिसाब से बनाएं, वैसे इतना तीखापन इस कटलेट में अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। मैं लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स को क्रश करके फिर पैन में सोते करके इसको फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ, जिससे ये 1-2 महीने तक अच्छी रहती है। थोड़े से हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा ब्रेड क्रम्स डाल दोगे तो कटलेट का टेस्ट है वो कम हो जाएगा, तो इसके सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालें। और बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा बीट रूट डालें, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और लास्ट में डालेंगे तो कलर इसका ख़राब नहीं होगा। अब हम 2 बोल लेंगे। 1 बोल में हम ब्रेड क्रम्स लेंगे कटलेट को कोट करने के लिए और दूसरे बोल में हम 3-4 चम्मच मैदा लेंगे। इसकी हमें स्लरी बनानी है तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, ताकि इसमें लम्स ना हो और एक पतला सा इसका बैटर तैयार करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर। ऐसा करने से टेस्ट और कलर अच्छा रहेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। उसके बाद हम इसे कटलेट का शेप देंगे। उसके लिए आप हाथों को पहले तेल की मदद से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा हम इसमें ये स्टफिंग लेंगे। इसको अच्छी तरह से एक बॉल के शेप में बना लें, फिर इस तरह से आगे इसको थोड़ा पॉइंट वाला शेप दे। आपको इसे एग की तरह शेप देना है। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अभी बारिश की मौसम भी है तो बारिश के टाइम पे ये गर्मा गर्म कटलेट आपको चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इसे मैदे की स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लें, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छी तरह से कोट कर लें। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स कम है तो आप जो अंदर की स्टफिंग है उसके अंदर पोहा को भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर आप ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे तो एकदम क्रिस्पी कटलेट बनके तैयार होगा। इस तरह से थोड़े कटलेट बनाकर आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप चाहो तो इसे 8-10 दिन के लिए रेफ्रिजरेट करके स्टोर भी कर सकते हो, तो आपका जब भी मन करे आप इसको बनाकर खा सकते हो। और इसे आप राउंड शेप दो या हार्ट शेप दो या ये वाला एग शेप दो, सब में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तेल गरम करने रख देंगे और इन कटलेट को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम एक एक करके कटलेट डालेंगे और आपको इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद इसे डिश में निकाल लें। ये गर्मा गर्म कटलेट सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है।
अब हम कटलेट के साथ खाने के लिए एक डिप तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच मेयोनीज लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस कटलेट में मैंने ऑनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। ये बढ़िया सी कटलेट बन के तैयार है, इसे इस डिप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही यम्मी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।